आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया पेश। उसके परिवार या उसकी तरफ से नहीं दाखिल की गई जमानत की अर्जी। जज ने पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तब आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने जवाब दिया, नहीं। कोर्ट ने 16 अप्रैल तक बढ़ाया पुलिस रिमांड। अब 16 अप्रैल को गोरखपुर कोर्ट में ही होगी अगली सुनवाई। घबराइए मत, कार्रवाई होगी सख्त। जनता दर्शन कार्यक्रम में अपराध संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों को दिया भरोसा। रजिस्ट्री कार्यालय में व्याप्त फर्जीवाड़ा व भ्रष्टाचार में शामिल दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। मंगलवार को गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतगणना को संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। एसपी सिटी व जिलाधिकारी ने कहा, सकुशल संपन्न कराया जाएगा मतगणना। आरडीओ कार्यालय में जीएल बनवाने को लेकर व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप में शाहपुर पुलिस ने एक होमगार्ड को किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जनपद में विशेष अभियान चलाकर बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। हर कोटे के दुकान पर ग्राम स्तरीय उद्यमी को किया गया है नामित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, लापरवाही मिली तो उस पर होगी कार्यवाही। ऑपरेशन तमंचा के तहत अवैध असलहों के साथ फोटो वायरल करने वाले दो अभियुक्तों को कोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। दो अवैध देसी तमंचा, दो देसी रिवॉल्वर किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। मई को दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। मोटर दुर्घटना, पारिवारिक मामलों सहित अन्य मामलों का सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। अंतर जनपदीय दो वाहन चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 8 मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, एक फाइटर पंच, लूटे गए मोबाइल को बेचकर प्राप्त किए गए 5,000 रुपए नकद किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। लावारिस बच्चे, मानसिक रोग से ग्रसित महिला तथा विधवा महिलाओं की देखरेख के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जनपद के सभी शेल्टर होम के प्रभारी की बैठक हुई संपन्न। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और समाज सेवी, समाज सुधारक, समाज प्रबोधन, विचारक, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा। लिया गया उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प।